गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप जो भी यूजर इंटर करेगा उसका रिवर्स स्ट्रिंग आप कर सकते हो। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको असाइनमेंट दिया था कि आपको क्या करना है, यूजर से एक स्ट्रिंग लेना है और उस स्ट्रिंग का आपको क्या करना है, रिवर्स करके दिखाना है। ठीक है, तो आप हम लिखते हैं रिवर्स वाला प्रोग्राम, तो इसे मैं नाम देता हूँ रिवर्स स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पे देखिए मेरा रिवर्स स्ट्रिंग और ये मेरा लोकेशन है और लैंग्वेज जावा, देन API 21, देन फिनिश। सो ये मेरा प्रोजेक्ट का फिनिश चल रहा है अभी। ओके, हाँ यहाँ पे देखिए वेलकम, मेरा यहाँ पे ग्रेडल सिंक हो गया, यहाँ पे बन गया मेरा ग्रेडल। अब मुझे क्या करना है, यूजर से एक स्ट्रिंग लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यूजर को एक मैसेज देता है, प्लस एक टेक्स्ट बॉक्स दे देंगे अपन कि यूजर वो स्ट्रिंग इंसर्ट करे। ऑलरेडी यहाँ पे हेलो वर्ड का स्ट्रिंग है, सो इसे मैं क्या करता हूँ, इसे रीनेम कर लेते हैं अपन लोग पहले, तो ये बेटर वे लगता है मेरे को कि ये स्ट्रिंग को अपन क्या करते हैं, पहले उसके जो कंस्टेंट है मतलब लेआउट जो है उसका रिमूव कर देते हैं और उसे फिर से लेआउट देते हैं नए से। ओके, और यहाँ पे ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें मैं हेलो वर्ड की जगह पे मैसेज लिखता हूँ इंटर इंटर द स्ट्रिंग दैट इंटर इंटर द स्ट्रिंग दैट यू वांट रिवर्स। ओके, तो ये मैसेज आ जाएगा। इस मैसेज को थोड़ा सा अपन इसका जो टेक्स्ट साइज है थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो मैसेज अच्छे से दिखाई देगा। इसकी साइज भी अच्छे से बड़े कर लेता हूँ साइज, और इसकी साइज अपन लोग करते हैं 18 और उसे कुछ कलर भी दे देते हैं। टेक्स्ट कलर दे देते हैं, कुछ अट्रैक्टिव कलर देना है अपने को। ओके, ये वाला कलर दे देंगे। ठीक है, तो ये आपका यूजर इंटर करेगा स्ट्रिंग। अब जो स्ट्रिंग इंटर करेगा वो स्ट्रिंग इंटर करेगा एक प्लेन टेक्स्ट में, अपन उसको ले लेते हैं कि जहां पे वो इंसर्ट करे प्लेन टेक्स्ट में, या फिर जिसे आप एडिट टेक्स्ट भी बोलते हैं उसमें वो इंसर्ट करेगा। इसके लेआउट में पहले दे देता हूँ, तो फिर ओके ये मेरा आ गया लेआउट। किसके अंदर आप क्या हो जाएगा कि यूजर जो भी इंसर्ट करेगा वो यहाँ पे इंसर्ट करेगा। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, इसका आईडी चेक कर लेते हैं। इसका आईडी बहुत बड़ा है, इसे मैं AD1 नाम देता हूँ, AD1 इसका आईडी है। और इसमें एक रिफैक्टरेट, और इसमें हम लोग उसे क्या देते हैं, नाम ये नेम के बजाय हिंट देते हैं, हिंट और टेक्स्ट अपेयरेंस बॉडी टू, और ठीक है ये हो गया। इसका अपन ने आईडी चेंज किया था, एडिट टेक्स आ गया। अब इसका मैं साइज देखता हूँ, साइज साइज ऑफ टेक्स ये भी 18 रखते हैं, जो साइज वो इंसर्ट करेगा 18 हो गया। और मैं कलर टेक्स कलर देते हैं इसको, जब वो इंसर्ट करेगा इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ रेड, तो रेड कलर अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, बटन पे कोडिंग करना पड़ेगी, तो उसके लिए एक बटन लेना पड़ेगा। बटन मैंने यहाँ पे ले लिया बटन, उसके मैं कंस्ट्रेंट पहले डिफाइन करता हूँ, ये वाला कंस्ट्रेंट पहले थोड़ा और ऊपर लेता हूँ। ठीक है, तो ये बटन आ गया। अब बटन को भी अपन थोड़ा टेक्स्ट कलर दे देंगे, बटन को
और इसे हिंट देना है अपने को। हिंट द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हियर। ओके, बटन आ गया। बटन के पूरे आईडी वगैरह चेक कर लेते हैं, ऊपर है या नहीं है। बटन बटन आ गया पूरा प्रॉपरली। अब बटन के ऊपर मुझे ऑन क्लिक मेथड लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑन क्लिक मेथड के जरिए आप उसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक BT1, क्योंकि बटन मेरा 1 है, क्लिक BT1 मैंने नाम दे दिया। से ऑन क्लिक मेथड है मेरी, और बटन को कुछ नाम देते हैं अपन। बटन को यहाँ पे मैंने नाम दिया ऑन क्लिक, तो आ गया, बट ऑन क्लिक नहीं चाहिए अपने को। बटन को ये जो नाम है यहाँ पे, रिवर्स स्ट्रिंग, नहीं रिवर्स इतना ही दे देते हैं। ठीक है, अब जो भी रिवर्स स्ट्रिंग है उसका जो आउटपुट है वो एक टेक्स्ट बॉक्स में लेना है अपने को। तो एक टेक्स्ट व्यू यहाँ पे ले लेते हैं, बटन के नीचे टेक्स्ट व्यू में दिखा देता है। टेक्स्ट व्यू के अंदर सिंपल होता है, जस्ट सेट टेक्स्ट मेथड यूज करते हैं आप। इसे थोड़ा सा अच्छे से आगे अलाइन कर लेना। ठीक है, अब इसके साइज भी अपन चेंज कर लेते हैं। साइज टेक्स्ट साइज इसके अपन रखते हैं 4:18। ओके, और यहाँ पे कोई टेक्स्ट दिखाना नहीं है अपन को अभी फिलहाल, तो ये टेक्स्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ टेक्स्ट व्यू को। ठीक है, अब इस टेक्स्ट व्यू का आईडी तो आपके पास है, ये टेक्स्ट व्यू का आईडी टेक्स्ट व्यू है, बटन का आईडी बटन है, एडिट टेक्स्ट का ID 1 है, इसको तो नहीं लगने वाला है। टेक्स्ट व्यू ये 2 है। चलो, अपना डिजाइनिंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया। अब लोग हम जाते हैं जावा कोडिंग पे। तो जावा कोडिंग यहाँ पे बहुत ही सिंपल होने वाली है अपने लिए, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मेथड आपने डिक्लेयर किया, उसी को अपने को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। बटन के ऊपर जो मेथड यूज किए ना, उसी को यूज करना है अपने को। तो ऑन क्लिक मेथड के जरिए अपने क्लिक BTD ये वाली मेथड यूज किए, इसे अपन थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं। तो ऑन क्रिएट के बाहर मैं ये मेथड लेता हूँ। अब ये जो मेथड होती है पब्लिक टाइप की होती है, याद रखना है, पब्लिक पब्लिक वॉइड। ओके, पब्लिक वॉइड, और इसमें आप पैरामीटर देते हो व्यू का, क्योंकि मैंने इसके पहले बताया था आपको कि ये सारी चीजें होती है व्यू की। और कौन सा, ये कौन सा टाइप का बटन व्यू है, बटन व्यू। ठीक है, बटन व्यू बाहर आना है, और ये अपना फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया। आप ये बटन पे क्लिक करेंगे आप, तो आप सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो जो वेरिएबल्स मतलब डेटा जहाँ से आएगा, इंटर करेगा यूजर, उसे अपने को स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो एडिट टेक्स्ट में जो आता है ना, उसे अपन ले लेंगे पहले। एडिट टेक्स्ट, अब एडिट टेक्स्ट इक्वल टू, एडिट टेक्स्ट नाम देते हैं इसको, एडिट टेक्स्ट नाम दे देते हैं इक्वल टू फाइंड व्यू, आर फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट। अब यहाँ पे अपना टेक्स्ट व्यू 2 में इंटर इंटर करेगा कुछ ना, एडिट एडिट टेक्स्ट में आने वाला है ना, एडिट टेक्स्ट में आएगा अपना डिटेल। अब एडिट टेक्स्ट में जो आया वो आपका एडिट टेक्स्ट 1 में आ गया। ठीक है, अब ये जो भी आएगा एडिट टेक्स्ट में आएगा। अब आपको एडिट टेक्स्ट नहीं चाहिए, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक वर्ड में स्टोर करना पड़ेगा। ओके, मैं उसे क्या करता हूँ, फिर जो भी एडिट टेक्स्ट में आएगा उसे स्ट्रिंग टाइप का एक बता देता हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग नॉर्मली लेना है ना अपने को यूजर से। तो मैं उसे नाम देता हूँ वर्ड, क्योंकि वर्ड रहेगा वो, या फिर स्ट्रिंग दे देता हूँ, यूजर स्ट्रिंग, यूजर स्ट्रिंग। यूजर स्ट्रिंग इक्वल टू, अब जो भी एडिट टेक्स्ट में आएगा उसको मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एडिट टेक्स्ट
डॉट गेट टेक्स, ये वाला गेट टेक्स मेथड, डॉट टू स्ट्रिंग, तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेगा, और ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अब ये यूज यूजर स्ट्रिंग जो है, इसको यूजर नाम दे देता हूँ, आ रह गया यूजर स्ट्रिंग जो है, अब मेरा तो आ गया, वो आपका कन्वर्ट हो गया स्ट्रिंग में, लेकिन मुझे उसे एरे में स्टोर करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे उसको उल्टा करना है। तो फिर मैं एरे यूज करके उसे लास्ट वाला इंडेक्स पहले लिखूंगा, उसके बाद वाला, उसके बाद फिर उसके बाद, मतलब मान लो कि मैंने अगर 10 10 स्ट्रिंग अगर स्टोर कर लिया, तो लास्ट इंडेक्स वाला क्या रहेगा, उसके मैंने मतलब 10-1 रहेगा। सो स्टार्ट, मैं उसे क्या करता हूँ, कैर, और एक एरे ले रहा हूँ पहले मैं एरे, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटर इंटर स्ट्रिंग, जो भी यूजर इंटर करेगा इज इक्वल टू। अब मैं क्या करने वाला हूं कि जो स्ट्रिंग उसने इंटर किया, अब उसे मुझे वर्ड एरे में शो करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजर स्ट्रिंग टू कैर एरे, मतलब ये आपका कैर में कन्वर्ट हो जाएगा, एरे में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका नाम आपने दे दिया इंटर इंटर स्ट्रिंग, मतलब यूजर ने जो इंटर की हुई स्ट्रिंग है, अब वो एरे में कन्वर्ट हो गई। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली जब आप एरे के अंदर कन्वर्ट कर लिया आपने, तो एक फॉर लूप यूज करना पड़ेगा, फॉर, और मैं यहाँ पे एक इंट वेरिएबल लेता हूँ जो कि काउंटर के टाइप में मेरा, या फिर इंडेक्स के, या फिर काउंटर ले लेता, काउंटर काउंट इक्वल टू क्या, इसे 0 से इनिशियलाइज करता हूँ सबसे पहले। 0 से करने के बजाय मैं अभी क्या करता हूँ, डायरेक्टली जो मेरा एरे की जो लेंथ होगी उसके हिसाब में कर लेता हूँ उसको, इंटर स्ट्रिंग डॉट डॉट लेंथ -1। तो ये क्या करेगा, जो भी स्ट्रिंग होगी, मान लो 10 है, तो उसको 1 माइनस करेगा तो 9, मतलब लास्ट वाला आएगा, क्योंकि एरे इंडेक्स अपने हमेशा स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे ये कब तक के चलाना है, जब तक कि मेरे काउंट जो है, जो काउंट मेरा वेरिएबल है, काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होता है, इज इट क्लियर, देन मैं काउंट माइनस माइनस कर लूंगा, तो ये मेरा फॉर लूप रहेगा, ठीक है, ये मेरा फॉर लूप रहेगा। अब ये शायद आपके समझ में आ गया कि हम लोग क्या करने वाले हैं, यूजर ने जो भी इंटर किया अब वो एरे में स्टोर हो गया, अब एरे की जो लास्ट वैल्यू रहेगी वो आप उसको रिवर्स करना है। तो आप सबसे पहले, आपको इसके लिए एक स्ट्रिंग स्टोर करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू आएगी, मान लो कि मैं इंटर कर रहा हूँ कुछ, मेरा नाम ही कर लो अर्शद, ARSHAD, तो लास्ट वाली स्ट्रिंग मेरी क्या है, डी है, तो उसे भी स्टोर करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर इससे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा स्ट्रिंग टाइप का, मैं उसे नाम देता हूँ रिवर्स स्ट्रिंग, दैट इज इक्वल टू, और ये ब्लैंक लेना पड़ेगा, क्यों ब्लैंक, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू स्टोर होने वाली आगे जाकर, यू गेट इट, ये आपके समझ में आ रहा है ना। तब तो मैं क्या करता हूँ, रिवर्स स्ट्रिंग यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, रिवर्स स्ट्रिंग इज इक्वल टू रिवर्स स्ट्रिंग, ओके, रिवर्स स्ट्रिंग प्लस, अब जो मेरा एरे में मैंने जो यूज किया था, क्या नाम है एरे का मेरा, इंटर इंटर स्ट्रिंग एरे इंडेक्स, तो अब एरे इंडेक्स के अंदर मैं सबसे पहले काउंट का जो आएगा मेरा, काउंट, सॉरी काउंट सी है, छोटा है मेरा काउंट, ओके, ये समझ में आ गया आपके। तो ये बहुत ही सिंपल है, मैंने क्या किया, मेरा रिवर्स स्ट्रिंग जो अभी एम्प्टी है, और यहाँ पे भी एम्प्टी रहेगा, और मैंने कॉन्केट किया स्ट्रिंग काउंट काउंट को, सबसे पहले तो ये 0, मतलब अगर लेंथ मैंने इंटर कर लिया यूजर ने, मान लो कि ARSHAD मैंने अर्शद इंटर कर लिया, तो उसकी लेंथ हो जाएगी 6, तो वो हो जाएगा काउंट, हो जाएगा मेरा 5, तो काउंट इज ग्रेटर इक्वल टू 0, यस, तो फिर काउंट माइनस में, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब वो क्या करेगा, काउंट की जो वैल्यू रहेगी 5 नंबर पे, 5 नंबर इंडेक्स पे क्या रहेगी, डी रहेगा, तो डी कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, रिवर्स स्ट्रिंग में डी स्टोर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एरे टाइप में रहेगा, तो रिवर्स स्ट्रिंग में स्टोर हो गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, रिवर्स में स्टोर हो गया, नेक्स्ट टाइम जब कंडीशन 1 से माइनस हो जाएगी, तो काउंट की वैल्यू जो हो जाएगी 4 हो जाएगी, कंडीशन अगेन ट्रू, 4 होने के बाद फिर से एग्जीक्यूट करेगा, ऑलरेडी
डी स्टोर रहेगा, उसके बाद वाला जो स्ट्रिंग रहेगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग काउंट वो वाला शो करेगा। तो ये ऐसा क्या करेगा, चलते रहेगा। ओके अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब मुझे क्या करना है, ये जो भी वैल्यू आ रही है मुझे कहाँ पे दिखाना है, यहाँ पर। ओके तो जो भी रिवर्स स्ट्रिंग आएगी मुझे यहाँ पे ये शो करना है, ठीक है, टेक्स्ट व्यू में। अगर टेक्स्ट व्यू में मुझे शो करना है तो इम्पोर्टेंट चीज क्या होगी कि मुझे टेक्स्ट व्यू के बारे में मतलब यहाँ पे डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि उसका आईडी क्या है। तो ये सारी चीजें मुझे चाहिए, तो मैं क्या, हाँ तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट व्यू टाइप का वेरिएबल लेना पड़ेगा मुझे, टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू नाम दे देते उसे, ठीक है, टेक्स्ट व्यू, फाइंड व्यू बाय आईडी, फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी डॉट। अब मेरा टेक्स्ट व्यू टू है, अगर आपको याद है तो टेक्स्ट व्यू टू है वो, मैंने यहाँ पे दे दिया। अब ये जो स्ट्रिंग आएगी ना मुझे वो टेक्स्ट व्यू में दिखानी है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर फॉर लूप के बाहर टेक्स्ट व्यू डॉट, जस्ट मुझे ना देखना है यहाँ पे सेट टेक्स्ट, और किसकी वैल्यू मुझे वो करना है, रिवर्स स्ट्रिंग है ना, क्योंकि जिसके अंदर लेटेस्ट वैल्यू जो रहेगी वो स्टोर रहेगी। तो ये वैल्यू यहाँ पे मेरे स्टोर रहेगी इसके अंदर रिवर्स स्ट्रिंग। सो ये मेरा कोड हो गया कंप्लीट। चलिए इसे मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, आई थिंक सो ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, रन करते हैं इसे, रन कर रहा हूँ मैं अभी। ग्रेडल बिल्ड हो रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। कोई कोड के अंदर एरर नहीं है, अगर एरर होता तो यहाँ पे रेड हो जाता था पूरा, और यहाँ पे भी रेड हो जाता था। सो यहाँ पे कुछ एरर नहीं है, इधर साइड से भी कुछ एरर नहीं है, तो अपना जो कोड है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए प्रॉपर। वेटिंग फॉर टारगेट डिवाइस टू कम ऑनलाइन। ओके तो मेरा कोड यहाँ पे आ गया, इंटर द स्ट्रिंग दैट यू वांट टू रिवर्स, इंटर द स्क्रीन, मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ अर्शद। ओके अब से रिवर्स, तो यहाँ पे इसका आउटपुट आ गया डी ASHRA। ओके तो ये मेरा स्ट्रिंग क्या हुआ, रिवर्स हो गया। तो आपको अगर ये कोड अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और ऐसे अपने कोई फ्रेंड्स को अगर एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग का कोर्स ज्वाइन करना है तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक लिंक दी है व्हाट्सएप ग्रुप की, तो उस ग्रुप लिंक पे जाके मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना फॉर फ्री ट्रेनिंग ऑफ एंड्रॉयड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इसे लाइक कर लेना, थैंक यू।